आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर मिर्जापुर से। मुंबई में दर्ज TRP मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने मिर्जापुर से इस मामले में शामिल एक आरोपी विनय त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर पुलिस ने पत्रकार वार्ता कर इसका खुलासा किया। महाराष्ट्र के मुंबई में TRP घोटाले में थाना कांदिवली में धारा 409, 420, 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने तफ्तीश तेज कर दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में एक आरोपी को मिर्जापुर के कछवा थाना अंतर्गत तुलापुर गांव से गिरफ्तार किया है। विनय त्रिपाठी नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के 3 सदस्यीय टीम उप निरीक्षक सुभाष मठे के नेतृत्व में जनपद पहुंची थी। इसमें कांस्टेबल जितेंद्र छेड़गे और विनोद मादिये भी शामिल हैं। कछवा थाने के पुलिस के सहयोग से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने विनय त्रिपाठी को उसके घर से गिरफ्तार किया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर इस गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुंबई पुलिस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए मुंबई ले जाएगी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र से विवेचना में आए पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि मैं हंसा नाम की कंपनी में काम करता हूँ, जो TRP रेटिंग मशीन BRC को घरों में लगाने का काम करती है। TRP रेटिंग बढ़ाने के लिए घर वालों को पैसा देकर ऑपरेटर की मर्जी से घर वालों को निश्चित चैनल देखने के लिए कहा जाता है, जिसकी वजह से उस चैनल की TRP बढ़ जाती है। मैं पहले हंसा में काम करता था 2016 तक, उसके बाद मैंने कंपनी छोड़ दिया। अभी मैं काम करता इप्सॉस में। तो ये बताएं कि आप किस तरीके से TRP का काम चलता था, आप लोग कैसे काम करते थे? नहीं, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैंने 2016 में कंपनी छोड़ दिया है ऑलरेडी, ये जानबूझ के फंसाया गया है। कैसे पुलिस पहुंची आपके यहाँ, कब लाई है आपको? मैं 5 महीने से गांव में हूँ, मुझे कल आए थे, बोले कि चलो मैं चले आया। आप लोग काम करते थे, कितना पैसा मिलता? सर्वे कंपनी में काम करते हैं। सर्वे मतलब ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो भी होता है उसके ऊपर सर्वे किया जाता है। सपोज जैसे जूता पे सर्वे होता है, चप्पल पे सर्वे होता है, किसी कंपनी का सर्वे होता है, स्वच्छ भारत मिशन का काम होता है, उस तरह से सर्वे करते हैं। उसी तरीके से आप लोग TRP का भी सर्वे करते? नहीं, उसी तरह से TRP का कोई सर्वे नहीं करते हैं। TRP वाले जो मामले में पुलिस आई हुई थी, वहाँ बॉम्बे की क्राइम ब्रांच की टीम आई थी। हमने केवल सहयोग प्रदान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक वांछित आदमी यहाँ पर रह रहा है, कछवा थाना अंतर्गत जनपद मिर्जापुर में तुलापुर गांव में, राजेंद्र तिवारी का बेटा है वो, विनय तिवारी नाम उसका, लगभग 35-36 साल उम्र है। उसको हमने उनके वो सहयोग करके अरेस्ट करा के उनको सुपुर्द कर दिया है, ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई करके विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। मामला तो कि मुंबई पुलिस का मामला, जांच का विषय वस्तु उनका है, वही बता पाएंगे। लेकिन इतना जो चीज़ें आई हैं कि उनके खिलाफ 409, 420, 120 बी और 34 IPC का मुकदमा दर्ज है, उसमें ये वांछित अभियुक्त था और जैसा उन्होंने पेपर प्रस्तुत किए थे उसी पेपर के आधार पर हम लोगों ने उनको सहयोग प्रदान करके गिरफ्तारी करा के ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत करेंगे। और जो एक ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया होती है, उसके बाद चूंकि समय 24 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए उस संबंधित आदमी के, संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो जो उसका वो समय होता है उसको यहाँ 24 घंटे के अंदर उनको प्रस्तुत करके ट्रांजिट रिमांड। हाँ, मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट।